फ्रेंड्स, मैं हूं आफरीन और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। थंबनेल तो आप सभी ने देख ही लिया होगा कि ऐसे शब्द कई बार लोगों से आपने सुने होंगे। कई बार ही ऐसा लोग आपको बोलते होंगे कि मैंने IMC के प्रोडक्ट्स यूज किए लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। कुछ लोग तो प्रोडक्ट्स को लेकर नेगेटिव भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज की इस वीडियो में ये जो शब्द लोग उपयोग करते हैं कि IMC के प्रोडक्ट से कोई रिजल्ट नहीं आता, उस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद को समझना और उसके सिद्धांतों को समझना, अर्थात प्रिंसिपल्स जिसको हम कहते हैं, जिस पे आयुर्वेद चलता है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अधिकतर लोगों के पास उसकी जानकारी ना होने के कारण वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो है गलत करते हैं, और गलत करने की वजह से जो लोग हैं प्रोडक्ट्स के प्रति नेगेटिव बोलने लगते हैं। तो समझना पड़ेगा कि ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं। आप सभी ने बैम्बू ट्री के बारे में सुना होगा, बिल्कुल आयुर्वेद उसी की तरह है। जब एक व्यक्ति आयुर्वेद का सेवन शुरू करता है तो वो अपना काम अंदर ही अंदर से कर रहा होता है, लेकिन वो तब तक रिजल्ट नहीं देता है जब तक कि उसका एक सर्टन टाइम नहीं आता। एक सर्टन टाइम जब आ जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि बैम्बू ट्री कुछ सेकंड में कैसे ग्रो हो जाता है। हम सभी ने ये देखा है और इसके बारे में जानते हैं। आयुर्वेद बिल्कुल बैम्बू ट्री की तरह है। जब हम उसका सेवन करते हैं या उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो अंदर से अपना काम कर रही होती है, क्योंकि आयुर्वेद जड़ पे काम करता है। समय जो अंदर चेंजेस होते हैं वो एक आम इंसान को समझ नहीं आते, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। जब वो रिजल्ट देना शुरू करता है तो फिर उसका जो रिजल्ट है, जो क्योर है, वो अनबिलीवेबल हो जाता है, बिल्कुल बैम्बू ट्री की तरह। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले उन 7 गलतियों के बारे में जो हर व्यक्ति कर रहा है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये गलतियां कर रहे हैं, इसको एक बार मॉनिटर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। यदि आपका कोई भी कस्टमर या एसोसिएट आपको ये कहता है कि मुझे IMC के प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिला, तो ये 7 गलतियों में से कहीं कोई गलती आपने तो नहीं करी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो इंसान करता है IMC प्रोडक्ट्स देने के टाइम पे, वो कौन सी है? नंबर 1 यहाँ पे साथियों, ये है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एक्सटर्नल, इट्स ऑलवेज अबाउट इंटरनल। अर्थात कोई भी प्रोडक्ट्स आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी बीमारी के लिए देते हैं तो इंटरनल अंदरूनी रोल उसका ज्यादा होता है और एक्सटर्नल रोल कम। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बाल झड़ रहे हो, बाल ड्राई हो रहे हो, बाल में डैंड्रफ हो गया है, तो हम ज्यादातर क्या देते हैं लोगों को? शैम्पू दे देते हैं, ऑयल दे देते हैं। क्या ये काफी है, इससे काम चल जाएगा? नहीं, वो कनेक्टेड है इंटरनल। किसी व्यक्ति को डैंड्रफ होता है, किसी का हेयर फॉल हो रहा है, उसका कारण अंदर होता है, बाहर नहीं होता बॉस। वो सिर्फ 10-20% काम करता है जो बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं। इंटरनल प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं साथियों, और मुख्य रोल इंटरनल प्रोडक्ट्स का ही होता है। तो आप जो एक्सटर्नल कुछ भी दे देते हैं, दर्द हो रहा है तो जी पेन ऑयल दे दिया, वो लगा लिया, या कोई बाम वाम दे देते हैं उससे काम चल जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अंदरूनी चीज पर काम करना पड़ेगा। तो पहली गलती आप जो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स दे देते हैं तो सोचते हैं कि उससे हेयरफॉल रुक जाएगा, डैंड्रफ सही हो जाएगा, दर्द चला जाएगा। ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। तो पहली गलती क्या है? एक्सटर्नल सिर्फ दे रहे हैं, इंटरनल नहीं दे रहे हैं, ये पहली गलती। दूसरी गलती कौन सी है साथियों? दूसरी गलती यहाँ पे ये है कि हम लोग आयुर्वेदिक का सिद्धांत ही नहीं समझ पाए हैं। बेसिकली आयुर्वेद ये समझाता है कि आप किसी भी व्यक्ति की जब दवाइयां स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक प्रोसेस होती है जिसको आपको फॉलो करना ही करना है, जिसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। बॉडी से विषैले तत्व, टॉक्सिन्स बॉडी से जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक जो है पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा, सेटिस्फाइड रिजल्ट। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? हम डायरेक्टली दवाइयां देते हैं IMC की और स्टार्ट कर देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये गलत है, आयुर्वेद के अनुसार ये गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस पेशेंट ने कितनी एलोपैथिक दवाई ली है, कितने सालों से दवाइयां ली है, क्या क्या खाया है, क्या क्या लगाया है, आपको कोई आइडिया नहीं है। केमिकल्स जब बॉडी में ऑलरेडी है तो आयुर्वेद को अपना काम करने में बहुत समय लगता है, या फिर कई बारी उन केमिकल्स की वजह से आयुर्वेद काम नहीं कर पाता। तो अंडरस्टैंड कि डिटॉक्सिफिकेशन पहली प्रोसेस है किसी को भी IMC के प्रोडक्ट्स देने से पहले। ये आपको याद रखना है, बीमारी कोई भी हो डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। तो दूसरी गलती यहाँ पे लोग ज्यादातर ये करते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण गलती जो लोग करते हैं वो क्या है साथियों? वो है बेसिकली टाइमिंग ऑफ द मेडिसिन। सिंपल शब्दों में कहूं तो बहुत सारे लोग जो है हर दवाई को खाने के बाद ले लेते हैं, कुछ लोग हर दवाई को खाने के पहले लेते हैं, लेकिन ये रॉन्ग फॉर्मूला है, रॉन्ग फॉर्मूला है।
साथियों समझना पड़ेगा कि बहुत सारी औषधि है आयुर्वेद की इस प्रकार की कि जिनका सेवन खाली पेट ही करना होता है, एम्प्टी स्टमक ही लेना होता है, आप उसको खाने पीने के बाद नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमारी मेडिसिन जो रिकमेंडेशन है, टाइमिंग, वहां पे हम गलतियां करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है जो हम खाने के बाद ही लेनी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको खाने के पहले या जैसे मर्जी में आता है वैसे दे देते हैं। यहाँ पे नॉलेज की कमी या कह सकते हैं कि छोटी मोटी गलतियां आपकी एक पेशेंट को जो है नेगेटिव कर देती है। तो जरूरी है कि आप जो है हर औषधि के बारे में बेहतर तरीके से जाने। समय लगेगा सीखने के लिए, लेकिन सीखे फिर ही जो है किसी को भी ट्रीटमेंट या एमसी के प्रोडक्ट्स रेकमेंड करें। मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं। ये जो तीन गलतियां अब तक आप सुन चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कोई गलतियां आपने की है आज तक। चलिए आगे चलते हैं। चौथी और इम्पोर्टेंट गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं एमसी प्रोडक्ट्स के दौरान, वो क्या है? वो ये है साथियों के दोषा स्पेसिफिक होना चाहिए। हर बीमारी के ऊपर जब दवाई देते हैं तो दोषा, जिसको हम कहते हैं त्रिदोष, उसका स्पेसिफिक रीजन पकड़कर देना है। अर्थात किसी व्यक्ति का मान लीजिए मोटापा बढ़ गया है, तो हम उसको क्या दे देते हैं जी, जो भी हमें समझ में आता है एलोवेरा फैट अवे या एक्स वाई जेड प्रोडक्ट, हम उसको दे देते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति को मोटापा होता क्यों है, कफ दोष की वजह से? हमेशा ऐसा नहीं है, ज्यादातर कफ दोष की वजह से, लेकिन वात दोष का भी इसमें रोल है। ये चीजें हमारे समझ में नहीं आती है। बॉडी में वजन अगर कम हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो वात दोष का रोल है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये बेसिक फॉर्मूला जो दोष है हमारे, त्रिदोष जो समझाता है, वो हम बिना समझे बिना जाने जो है किसी को भी औषधि दे देते हैं, यहीं पे जो है मामला गड़बड़ा जाता है। आप देखिए आयुर्वेद दे रहे हैं तो आपका आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, उसी प्रकार से औषधि देनी पड़ेगी जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये गलतियां आप कर रहे हैं बिना किसी पेशेंट का दोष जाने, आप उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर देते हैं, तो रिजल्ट कैसे आएगा आप मुझे बताइए कि रिजल्ट आने के चांसेस कितने हैं? आ गया तो सौभाग्य आपका, नहीं आया तो फिर गलती टोटली आप देख पा रहे हैं क्या है। तो दोषा के बेसिफिक स्पेसिफिक दोषा को ध्यान में रखते हुए आपको औषधि देनी है और इसका ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। पांचवीं गलती आप देते हैं जब प्रोडक्ट्स एमसी के, तो कौन सी करते हैं साथियों? पांचवी गलती ये है कि कुछ औषधि आयुर्वेद में ऐसी है जो रात में लेने के लिए स्ट्रिक्टली मना की गई है, यानी कि आप उनका सेवन रात में नहीं कर सकते हैं। आई नो के बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तो ऐसी कौन सी औषधि है जो रात में नहीं लेनी चाहिए, वो दिन में ही लेनी चाहिए, उसके बारे में भी बता दो। तो मैं इसीलिए इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगी आगे। तो नाइट में बहुत सारी मेडिसिन जो है आयुर्वेद की, उनका सेवन नहीं करना होता, लेकिन हम कैसा डोज देते हैं? एक टेबलेट मॉर्निंग, एक टेबलेट नाइट, इसी प्रकार लेना है। हम ज्यादातर ये डोज देते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनका सेवन रात में नहीं किया जा सकता आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन आप उनको रॉन्ग टाइमिंग्स पे रेकमेंड करते हैं और वो पेशेंट को रिजल्ट आने के बजाय एग्रवेट हो जाता है केस में। ये नहीं कहूंगी कि साइड इफेक्ट होता है, केस एग्रवेट हो जाता है, क्योंकि वात दोष वाले पेशेंट को कफ दोष का ट्रीटमेंट देंगे तो क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप सब मैच्योर है, राइट? तो ये पांचवी गलती हम में से ज्यादातर लोग कर रहे हैं। छठी गलती कौन सी है, सिक्स, जो हम लोग ज्यादातर करते हैं, वो ये है साथियों कि जेनेटिक और क्रॉनिक समझते हैं, जो सालों साल से चलती आ रही बीमारी है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, व्हाटएवर, ये इतने सालों से चलती आ रही बीमारियां हैं, और जेनेटिक यानी जो माता पिता से होने वाली बीमारियां हैं या उनके जीन्स में ही वो बीमारी है, राइट, उनके डीएनए में ही वो बीमारी है, ये दो चीजों में भी हम आईएमसी के प्रोडक्ट्स दे देते हैं। समझना पड़ेगा कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो जाता है जब कोई बीमारी क्रॉनिक होती है यानी सालों साल पुरानी होती है, या जेनेटिक होती है, डीएनए यानी माँ बाप को है तो बच्चों को भी होती है, वो जेनेटिक बीमारियां जो है उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टोटल अलग होता है। एक्यूट केसेस सब एक्यूट केसेस से टोटल अलग होता है, लेकिन हम लोग अगर एक व्यक्ति को गौमूत्र दे रहे हैं तो दूसरे को भी दे देते हैं, लेकिन क्रॉनिक और एक्यूट में फर्क है साथियों, समझना पड़ेगा। कमेंट करके बताइए क्या इसके ऊपर कभी आपने सोचा था कि ऐसे ही देते चले जा रहे थे प्रोडक्ट, क्या ये गलती आपने करी है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सातवां और आखिरी पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों, वो ये है कंप्लीट द कोर्स। मेरा कहने का मतलब है कि आप आईएमसी के कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, आयुर्वेद स्टार्ट करते हैं, आयुर्वेद को एक स्पेसिफिक कोर्स लगता है, स्पेसिफिक कोर्स, 1.5 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, XYZ, ये पर्टिक्यूलर टाइम तक मेडिसिन लेनी ही होती है। ज्यादातर लोग लेते हैं, थोड़ा बहुत बेटर फील करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर मर्जी से लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ देते हैं,
फिर उसको बोलते हैं नेगेटिव उसके बारे में। ये सारा जो है एजुकेशन की कमी है। प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है साथियों, प्रोडक्ट्स जो फैट अवे एक व्यक्ति को रिजल्ट दे रहा है दूसरे को नहीं दे रहा है, तो ये सोचने की बात है क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों पेशेंट डिफरेंट है, दोनों का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है डिफरेंट है, गलती देने वाले की है, एजुकेशन देने वाले के पास कम है। और इसमें लोग प्रोडक्ट्स के जो नेगेटिव प्रोडक्ट्स को बोलने लगते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग माई डियर फ्रेंड्स। कंप्लीट द कोर्स, सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आराम पड़ जाए, अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, फिर भी कोर्स पूरा करना चाहिए। आयुर्वेदिक का कोई भी कोर्स हो, कंप्लीट द कोर्स, डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी और कितना टाइम चलेगी वो, तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सात गलतियों में से आप भी आई एम श्योर कोई ना कोई गलती करते हैं। मुझे कॉमेंट बॉक्स में जो गलती के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं उसी के ऊपर अगला वीडियो बनाऊंगी। तो आपके अगर प्रश्न है सेवन मिस्टेक्स में से, आप ये सात गलतियों का उत्तर चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और सबसे ज्यादा आएगा जो कमेंट, मैं डेफिनेटली अगला वीडियो उसके ऊपर बनाने वाली हूँ। साथियों, ये बात ठीक है कि आयुर्वेद के जो हर्ब्स होते हैं या औषधियां हैं, उसके अंदर भी विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो ज्यादातर लोग उसी प्रकार से उसको दे देते हैं। अच्छा, विटामिन ए चाहिए तो एक काम करो तुम स्पिरुलिना ले लो, तुमको विटामिन के चाहिए तो तुम एक काम करो स्पिरुलिना ले लो, इस तरह का जो है लोग ज्यादातर जो रिकमेंडेशन करते हैं। मैं ये कहूंगी यहाँ पे कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्पिरुलिना में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद का सिद्धांत पकड़ के चलो। आयुर्वेद का सिद्धांत क्या बोल रहा है, वो वात दोष का पेशेंट है, वो कफ का है, वो पित्त का है, किस दोष का पेशेंट है उसको, उस दोष के ऊपर काम करो। न्यूट्रिशंस बाद में आते हैं। अधिकतर लोग जो है, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग जो है अपनी मर्जी से वीडियोस बनाते जाते हैं, कुछ भी रेकमेंड करते जाते हैं, जी खून की कमी है तो विटगोल्ड ले लो, जी फलाना ले लो, ये रस धातु के बारे में कौन बताएगा, और उसके धातु उसके ऊपर किस प्रकार काम होता है कौन बताएगा, कौन सी औषधि कौन से धातु पर बैठती है ये ज्ञान नहीं हासिल किया, न्यूट्रिशन बोल दिया तो अपने हिसाब से मेडिसिन देते चले जा रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है आप नाम खराब करते हैं प्रोडक्ट का और कंपनी का। ये बिल्कुल गलत है साथियों, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जो व्यक्ति ये शब्द यूज करते हैं कि मुझे आईएमसी के प्रोडक्ट से कोई रिजल्ट नहीं आया, उनको ये वीडियो जरूर भेजना, और ये वीडियो से आप भी जरूर सीख लेना। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग आयुर्वेद का ज्ञान जो है, बेसिक ज्ञान जरूर प्राप्त करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आफरीन मेमन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।